जाओ जाओ, जिंदगी में कभी लौट के मत आओ। हाँ, ऐसे भी तुम नहीं होने से भी हम खा सकेगा अकेला। वो बुड्ढे के साथ कौन जाएगा? दिन भर हल्ला करते रहता है, उसका घर में कौन काम करेगा? उसका भंटी है क्या? ओए, पानी लेके आओ तो एक गिलास। पानी क्या हो गया आज आपको? आपको भी टेंशन में दिख रहा है और बहन को भी गुस्सा लग रहा है। बात क्या है? झगड़ा हो गया ना बहन और दामाद, इसीलिए बहन को लेके आ गया ना। झगड़ा क्यों नहीं होता है? झगड़ा तो हर हस्बैंड वाइफ में होता है। आप गलती क्या है लेकिन बहन को लेके आके? आया ऐसा नहीं है ना, बहन को मारा है ना इसलिए हम गुस्सा लग गया ना, लेके आ गया ना। वो दामाद अच्छा नहीं है ना, ऐसे तो बहन का लाइफ खराब हो जाएगा। वो मेरा बहन है ना, तुम टेंशन नहीं करना है ना। तुम मैके तो मैके की जगह में रहो ना। आपका बहन भी तो मेरा बहन जैसा, इसलिए बोला जो भी करो। ज्यादा मुख मत चलाओ ना, मैके तो मैके जगह में बैठो ना। जो भी करो मर्जी करो, हम मेरा बहन है ना, हम जो भी कर सकते हैं ना। हम घर में रखेगा ना बाहर में देगा ना, मेरा मर्जी है ना। बहन नो भी गलती किया है ना, लेकिन माँ को अकेला छोड़ के हस्बैंड वाइफ में तो झगड़ा तो होता है। झगड़ा हुआ बोल के ऐसे छोड़ के नहीं आना, से गलती होता है ना। जितना भी झगड़ा होने से भी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा घर में रखना है, ऐसे नहीं आना है। नहीं जाएगा मोर में, वो बुड्ढे के पास नहीं जाएगा मोर पास। ऐसे छोटा दिमाग मत होगा बहन, अपना बहन है बोल के सोच के बोला है। भैया का तो दिमाग ही नहीं है, भाभी है, भाभी का जैसा बेटो होगा। होगा मर्जी करो भैया, बहन जितना समझाने से भी नहीं होगा। अपना सोच के, अपना बेटी सोच के समझाया है, अभी जो भी करो। वो बुड्ढे के साथ कौन जाएगा? दिन भर हल्ला करते रहता है, उसका घर में कौन काम करेगा? उसका भंटी है क्या? ओबे देखा है वो लड़का? किच्चा है ना, अपना बहन को समझाना है कि देखो अभी झगड़ा तो होते है, तुम भी लेके आने से झगड़ा नहीं होगा तुम्हारा। बोलो तो होते है, अभी झगड़ा होने से भी उसको समझाना है, एक दो अपन मार के बहन है उसको करना मार के समझाना है कि उसको लेके आना है। किच्चा है ना उसका भैया, जो टेंशन है ना अपना बहन को रखना, मतलब बेटो ना जो हो गया। अभी तो झगड़ा तो होता है ना, हर किसी का घर में होता है। तुम्हारा घर में, तुम तो अभी शादी शुदा है, तुम्हारा बीवी के साथ होता है कि नहीं? बोला होता है। वही है ना, वो कैसे है ना उसका भैया जो। हाँ। दूसरा का बात मत करो, छोड़ो। वही है ना, अभी दूसरा का बात करके हम लोग क्या करेंगे ना। बहन किधर गया? बहन अंदर में। बुलाओ तो। बहन आपको बुला रहा है आपका भैया। ओए बहन क्या कर रहा है, जल्दी आओ ना, बुलाने वाला नहीं सुनता है क्या? क्या हुआ भैया? अपना घर नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या? हम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इधर देखो, अपना घर जाओ, यहाँ बैठ के नहीं होगा। ऐसा मत बोलो बहन, अभी जाओ, ये लास्ट एक बार मौका देके देखो मांगबो को। अभी दोबारा भी ऐसे करेगा तो हम लोग है ना, तुम्हारा भैया और हम है, हम लोग देखेगा उसको। अपना लाइफ अपना खुद बनाओ ना, यहाँ बैठ के क्या होगा? झगड़ा तो होते रहता है ना। एक बार भाभी भैया का बात भी सुनो, जाओ। सुना है, बाद में निकलो, जाओ भैया अंदर। अपना घर जाना है ना, आदमी लोग गांव का आदमी लोग बहुत बोलता है ना। ऐसे चिल्ला के मत बोल लेना, आस्ते से बोलने से मानेगा ना बहन? हो जाएगा, आप जाओ, खुद जाके पहुंचा के आओ। हाँ होगा, आप उसको रेडी करेगा। ओए दामाद, दामाद, ओए कौन है? आया तुम लोग है क्या? आया हम लोग है ना, सॉरी यार दामाद, मेरा गलत था क्योंकि ना, हम गलत था क्योंकि ना, बहन को लेके आ गया। अरे दोबारा लौट के क्यों आया है? और आपका बहन को महाराजा वाला लड़का जो नहीं मिला है क्या, फिर वापस लेके आ गया? वो मेरा गलत था, पहले हम लेके चला गया क्योंकि बहन से हम बहुत प्यार करता था, तो इसलिए हम बहन को लेके चला गया। और मेरा गलत था बहन, अभी जाके तुम बैठो, झगड़ा मत करो दोबारा, अभी तुम लोग का लाइफ है, झगड़ा करके नहीं होगा। हाँ ठीक है दामाद जी, हम जा रहे हैं, बहन को आराम से रखना। साला अपना भैया से साला बहुत तावला रखे गया था ना राजा ढूंढने के लिए, मिला है कि नहीं मिला है? अभी चुपचाप से काम करो, जो बोलेगा हम वही काम करो। राजा ढूंढने गया था, मिला है? वापस फिर गरीब के घर में आने पड़ा है ना। अभी सब
काम तुम करो, चुपचाप से ये दुला के लेके आओ, उसका बाद चाय भी लेके आओ। साला तावला रह गया था उसका भैया का साथ, कुंपिर के साला गरीब के घर में आना पड़ा है तो। चलो निकले में इतना देरी लगता है क्या, जल्दी लेके आओ ना, जल्दी लेके आओ। अमीर ये बोल के साला काम नहीं सिखाता है, गलती तेरा भैया लोग का ही है, असल में तुमको काम नहीं सिखा के, भैया लोग का बात सुन के खुद का घर खराब हो रहा है। क्या इतना आप पार पार के देख रहे हैं, आप पारने से खाना अपने आप पक जाएगा क्या, जाओ खाना बनाओ। बुढ़ा चेहरे क्या तो क्यों नहीं मारा, नहीं आप चिंता मत करो, आपके लिए 2 मिनट में चाय बना के लेके आएगा। हाँ हाँ जल्दी जाओ। हेलो गाइस, वीडियो भी एंड हो चुका है और ये हम लोग का पार्ट 2 है। और फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब दुनिया में किसका झगड़ा नहीं होता है, हर हस्बैंड और हर वाइफ का झगड़ा होता है। इसका मतलब भैया जो मतलब बहन को ले जाना, ये तो गलत बात है, ऐसे में अपना बहन का घर खराब होता है। वही बोलना चाहूँगा गाइस, आप लोग भी मतलब प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपना बहन को जितना भी आप लोग प्यार करता है, झगड़ा होने के बाद आप लोग उसको 2 थप्पड़ लगा के हो चाहे गाली करके हो, समझा के मतलब बैठाना है, ना कि आप मतलब उसको घर में लेके रखना, वो तो गलत बात है। इसीलिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपना बहन को समझा के हो या मार के हो 2 थप्पड़ मार के, अच्छा से घर में रखना समझा के, ऐसे कभी अपना घर में लेके नहीं आना, ऐसे में आपका बहन का घर खराब हो जाएगा। वही गाइस, एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग का साथ, जितना मुझे फेसबुक पेज का फैमिली लोग मुझे प्यार दे रहा है, वैसे एक मेरा छोटा सा एक यूट्यूब चैनल है, टाइटल में लिंक होगा, आप लोग वहां में जाके क्लिक करके वैसे फेसबुक का तरह यूट्यूब में भी मुझे प्यार दीजिए। और तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बाय बाय।